अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है वो मैं चिकन छोले की रेसिपी बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। और अभी जो है वो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं रेसिपी की तरफ चलता हूँ और जो जो चीज़ें मैंने पहले से तैयार करके रखी हैं आप देख लें, फिर उसी के मुताबिक आपने भी खुद रेसिपी तैयार करनी है। तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो चने और आलू मैंने इसको बॉईल कर लिया है, इसको जो है वो मैश करूंगा। ये लंगरी है इसके अंदर, तो वो रेसिपी साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये मैंने जो है ना बॉईल करके रखे हुए हैं ये चीज़ें। उसके बाद ये दही है, उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक जो है ना वो आपने लहसुन ले लेना है और थोड़ी सी अदरक। उसके बाद ये एंड में डालेंगे धनिया और अदरक थोड़ा सा मैंने काट के रखा है, ये ऊपर डालेंगे। उसके बाद ये जो है वो प्याज का पेस्ट मैंने तैयार किया है। उसके बाद ये मसाले हैं जी, थोड़ा सा नमक लिया है तकरीबन हाफ टेबल स्पून। उसके साथ जो है वो ये आपको मिलेगा कड़ी पाउडर है। उसके बाद ये है जी लाल मिर्च। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने जो है ना हींग लेके रख दी है। उसके बाद ये दड़ा मिर्च है, हल्दी है थोड़ी सी, ये ज़ीरा पाउडर है और ये जो है वो गरम मसाला है। ये मैंने ऐसे तैयार करके रख दिया है। अभी जब रेसिपी तैयार करूंगा तो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि आपने क्या क्या कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना है। जो चने मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं इनको पकाएंगे। उसके साथ ये जो है वो कढ़ाई में मैंने एक तकरीबन जो है वो बड़ा चमचा जो है वो ऑयल का डाला है। उसमें दो मैंने डाली हैं जी बड़ी इलायची, थोड़ा सा जो है वो डाला है दालचीनी का एक टुकड़ा आधा सा, उसके बाद चार पांच लौंग डाले हैं और ये ज़ीरा डाला है जी। अभी हम इनको करेंगे फ्राई, फिर आपको साथ साथ में बताता जाता हूँ। दोस्तों, ये हमने जो है वो इसको कर लिया है, पका रहे हैं चूल्हा ऑन करके। इनको थोड़ा सा ऐसे इसको करना है, थोड़ा थोड़ा इसको करने के बाद, लाल करने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल दिया हमने। ठीक है, इसको अच्छे से जो हमें पकाना है थोड़ी देर, इसको ऐसे ही पकाते रहना। अब ये थोड़ा थोड़ा जो है वो हो गया है ब्राउन, अभी हम इसमें डाल देंगे जी ये जो प्याज हमने पेस्ट बना के रखा था, ये डाल दिया। इसको भी अच्छे से हमने भुनाई करनी है इसकी। ठीक है, इसको भी हमने अच्छे से भूनना है ताकि इसका पानी जो है ना वो इसके अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए। थोड़ी देर इसको आपने ऐसे पकाना है। अभी ये तड़का तैयार हो चुका है, तो अभी हम इसमें जो ये मैश करके रखे हुए थे आलू और चने वो डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो वो मसाला जात रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे हमने इसमें कर दिया है, तो थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और पानी वही शामिल करेंगे जो चने में से निकला हुआ था पानी। ये इसके मैंने नीचे रखा हुआ है पानी, थोड़ा सा इसमें हमने वो पानी शामिल कर देना है और इसको अच्छे से जो है वो मिक्सअप कर लेना है। और उसके बाद जो है वो हमने ये जो मसाले रखे हुए हैं, ये मसाले इसमें सारे मसाले एक साथ ऐड कर देने हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से हिला लेना है। अभी ये जो पेस्ट था ये अच्छी तरह जो है वो पक चुका है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे चने। ठीक है, ये जो चने हमने रखे हुए हैं ये डाल देंगे। चने डालने के बाद तो अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसके साथ ही जो हम जो दही रखा हुआ था ये एक ये भी इसमें शामिल कर देंगे। दही शामिल कर दिया इसमें, अब इसको अच्छे से हमने क्या कर देना है, मिक्स करके थोड़ी देर इसको पकाना है और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा वो अच्छे से गल जाए, जो जो कसर बाकी है ना वो पूरी हो जाए। तो अब ये इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है पहले, ठीक है। ये आपने ये दही को अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लेम तेज नहीं रखनी, बस मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है आपने। तो अभी ये देखें जी बहुत अच्छे से ये मिक्सअप हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, और पानी वही जो चने का पानी था ना जिसमें हमने बॉईल किए थे वही वाला डालना है। और अभी माशाल्लाह इनकी जो है ना शक्ल देखें कितनी अच्छी हो गई है। तो अभी मैं जो है वो पानी जो था वही वाला थोड़ा सा इसमें शामिल कर देता हूँ और फिर इसको ढाँप के रख दूँगा थोड़ी देर के लिए, कम अज़ कम 5-7 मिनट के लिए, ठीक है। अभी इसको मिक्स करके अभी इसको मैं ढाँप के रख दूँगा। तो अभी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हम इसको खोल के देखते हैं और इसमें मारते हैं जी चमचा। माशाल्लाह जी अभी तो बहुत मज़े के लग रहे हैं। अभी इसमें अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। मैं ये लेके आया थोड़ी सी काली मिर्च, इसमें ये डाल दी थोड़ी सी काली मिर्च, ये आप के अपने ऊपर डिपेंड करता है टेस्ट क्या है ना। इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं काली मिर्च और इसको थोड़ी देर हमने और पकाना है। और अब इसको फिर से दोबारा से ढक के रख देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो है वो चिक्कड़ छोले की रेसिपी तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद जो है वो हमने ये जो धनिया और अदरक काट के रखा हुआ है इसके ऊपर जो है वो डाल देंगे। ये अभी मैं धनिया डाल रहा हूँ इसके ऊपर। माशाल्लाह से देखें जी बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार हुई है चिक्कड़ छोले की, और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं लगती इस पर और इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ये अभी मैं अदरक के जो पीस काट के रखे थे वो भी इसके ऊपर डाल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह जो है आप भी बनाएं, पकाएं और खाएं और इंजॉय करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।